तो फिर ये इफेक्ट तो नहीं ना आना था। Assalamualaikum, this is Aisha Shahbaz and welcome to my channel Aisha Shabbi Lifestyle। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपको बताएंगे कि हम लोग क्या ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शबी क्या नाश्ता कर रहे हैं। So let's get started। तो चलें जरा देखते हैं कि शबी क्या नाश्ता कर रहे हैं। तो फिर ये इफेक्ट तो नहीं ना आना था। हाँ जी, क्या नाश्ता कर रहे हैं जरा हमारी ऑडियंस को भी बताएं। मसाला ओट्स उसका नाश्ता कर रहा हूँ और आप लोग भी इसका ज़रूर करें, क्योंकि हम डबल रोटी तो लेते ही हैं, तो लेकिन मैंने सोचा कि बेगम ये रोज़ाना ही लेती, आज मुझे भी ये बना कर रहे। इसका टेस्ट कैसा है ये बताएं। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब आप एक दिन इसको बनाकर खाएंगे तो आप रोज़ाना ही यही बनाएंगे। ये यहाँ तक कि इसके साथ आपका मोटापा भी कम होगा और साथ साथ आपको बहुत लजीज लगेगा खाने में, और बार बार आप इसको बनाकर भी खाएंगे। बेसिकली तो हम लोग वेट लॉस के लिए खाते हैं, लेकिन ज़रा टेस्ट डेवलप हो जाता है मसाला ओट्स अगर बना लिए जाएँ तो। मसाला ओट्स का बहुत मज़ा आता है, बच्चे भी हमारे बड़े शौक से खाते हैं। तो आज शबी ने बोला कि मैं ऑमलेट और जो ब्राउन ब्रेड वैसे तो हम लोग खाते हैं अमूमन, तो उन्होंने बोला कि आज मुझे भी ओट्स बना के दो, मसाला ओट्स। तो आज ये इंजॉय कर रहे हैं और बकौल इन्हें कि इन्हें अच्छे लगे हैं। और साथ शबी लेते हैं दूध और मैं लेती हूँ चाय, ब्राउन शुगर डाल के। थोड़ी शुगर डालती हूँ लेकिन मेरा नाश्ता चाय के बगैर कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जो बहुत डाइट कॉन्शियस हैं वो ज़रा चाय से मैं चाय नहीं लेता इतनी, मैं ज़्यादातर दूध लेता हूँ। मुझे ये कप में दूध ला देती, मैं वो गर्म गर्म दूध पीता हूँ साथ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, टेस्टी भी हैं, और आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइए, इसका टेस्ट इंजॉय करें, आपको अच्छा लगेगा। आप बाकी दूसरे चीज़ें छोड़कर इसको खाना पसंद करेंगे और साथ साथ इसके साथ आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा कम होगा। इसको आप ज़रूर बनाएं, इसको ट्राई ज़रूर करें एक बार, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आपको जो देखने वाले उनके साथ इसकी रेसिपी आपने शेयर नहीं की अभी तक, ये भी करें आप। जी, बहुत अच्छा, मोटापे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। लास्ट वीडियो में मेरा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने ऑडियंस के साथ प्रॉमिस रहा है कि मैं नेक्स्ट जो है वीडियो ओट्स की रेसिपी उनके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा ख्याल है मैं आज ही शेयर कर देती हूँ इसी वीडियो में, क्या ख्याल है? क्योंकि आज ही करें, और साथ साथ इसके साथ आप जब अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो ये ताकत भी इसकी मिलती है, क्योंकि इसमें सारे गजाई अज्जा मौजूद होते हैं। इसके साथ आपको ताकत भी मिलेगी, आप कमज़ोर नहीं होंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप अपना मोटापा भी कम करेंगे। और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं ये, हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद है, तो ताकत भी होती है इनमें, तो हम लोग उन्हें भी साथ इंजॉय करवाते हैं। तो फ़िलहाल तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और मेरा नाश्ता भी आपने देख लिया। मैं खाऊंगी आज ब्राउन ब्रेड और ऑमलेट चाय के साथ। तो चाय में शुगर आपने कम रखनी है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं चाय। तो ये रहा जी आज का हमारा ब्रेकफास्ट, और आज आपके साथ ओट्स की रेसिपी भी शेयर करनी है, तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे हमें चाहिए होंगी कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें एक प्याज, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च को मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। और यहाँ पैन में बड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि हम वेट लॉस को भी जहन में रख रहे हैं। और इसमें 1 टीस्पून तक साबुत ज़ीरा कड़कड़ा कर, और ये ज़्यादा ही कड़कड़ाया गया था, ओह माय गॉड। इसमें ऐड की है मैंने 1 सब्ज़ मिर्च छोटी कटी हुई, आप सब्ज़ मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें डाल दिया है प्याज छोटा छोटा कटा हुआ, और इसको थोड़ा सा सोते कर लेते हैं। थोड़ा सा सोते करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी छोटी सी कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर, और अब इनको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर छोटे छोटे से कटे हुए, टमाटर डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं।
इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो नमक आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डालिएगा, पहले थोड़ा ही डालिएगा और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। और सुर्ख मिर्च पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी ही डालिएगा, बाद में आप चेक करके इनकी मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि कम नमक मिर्च को तो आसानी से ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून तक डाल दी है और इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है मिक्स करने के बाद, और 2-3 मिनट में टमाटर जो है पल्पी हो जाएंगे। तो मैं मिक्स कर रही हूँ ढकना हटा कर, और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जी ओट्स। तो यहाँ पे 1 कप तक ओट्स मैंने शामिल कर दिए हैं इसके अंदर, और इस मसाले के साथ ओट्स को मिक्स कर देंगे। बहुत फ्लेवरफुल और मज़े के ये ओट्स बनते हैं, मसाला ओट्स, और ये बड़े हों या बच्चे सबको बहुत पसंद आते हैं, ना सिर्फ बल्कि हेल्दी भी होते हैं। इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और हमारे वेट लॉस में बहुत हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप तक पानी ऐड कर दिया है। तो मैं इसको यहाँ ढक देती हूँ और 10 मिनट लगेंगे, पानी भी ड्राई हो जाएगा और ओट्स भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ढकना हटा के इसे मिक्स कर लेते हैं और ये झटपट से हमारे मसाला ओट्स रेडी हैं। बस थोड़ा सा धनिया डालिए और इसे सर्व कीजिए। तो मैं इसे यहाँ पे एक बाउल में निकाल लेती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा मज़ीद फ्रेश धनिया जो है वो मैं डाल दूँगी, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में तो ये ज़बरदस्त है ही। तो हमारे बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त से मसाला ओट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे और आपके वेट लॉस में ये बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। चाहे तो आप इसे ब्रेकफास्ट में लें, चाहे तो आप इसे डिनर में खाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत अच्छा आपको वेट लॉस देंगे, वज़न कम करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था अपना वेट लॉस जर्नी, और उसमें मैंने बताया था आपको कि आप रूटीन के खानों के साथ ही अपने वज़न को कम कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके, थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करके। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। और उस वीडियो में ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ओट्स की रेसिपी शेयर करूँगी, तो वो प्रॉमिस मैंने किया है पूरा, और आपने ये ट्राई करने हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रूटीन के खानों पर बाज़ोकात दिल नहीं करता और उससे हट के दिल करता है कि कुछ खाया जाए। तो बाहर का खाना तो हमने अपने वेट लॉस करते हुए खाना नहीं है, अवॉइड करना है। तो घर में झटपट से जो चीज़ बन जाए, हेल्दी भी हो और वेट कम करने में हेल्प भी करे, तो क्या ही बात है। तो ये मसाला ओट्स आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। जिस टाइम आप रोज़ाना का ब्रेकफास्ट करते हुए या डिनर करते हुए थक जाएं, तो आप झटपट से ये बना लें और खाएं भी, हेल्दी भी रहें और इन्जॉय भी करें और साथ ही साथ वेट लॉस भी करें। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।